बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की मेरी वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और इस वीडियो को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है, आपने ज़रूर इसको लाइक करना है, शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि हर ख़वातीन की जो मसले मसाइल्स होते हैं वो ये होता है कि मेरे हाथ और पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुके हैं। और सर्दियों के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और ख़वातीन्स को, ठीक है। और चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो है एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा आपने कौन सा लेना है, वो आपने मार्केट वाला नहीं लेना, आपने घर वाला लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एलोवेरा जो है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने ये येलो वाली जो चीज़ होती है ना, आपने ये इसको हटा लेना है, ठीक है। और इसको आपने इस तरह से ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं एलोवेरा को कह रही हूँ, आपको निकालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से इसके अंदर से जो है ना जेल आपने निकालनी है, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हम किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हम मैं हाथों के लिए बना रही हूँ, आप हाथों पर भी, पाँव पर भी, फेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे निकाल देना है, ठीक है। अच्छे से आपने इसके अंदर से जेल जो है वो आपने निकाल लेनी है। और इसकी ये भी है कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, आपने इसको बना के रख लेना है 1 मंथ के लिए, आप इसको बेशक बना के रख लिए, बार बार आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। और आप बेशक इसको बना के आप ये लोशन जो है आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और आप इसका मुझे रिजल्ट बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी और इसको ऐसे आपने कर लेना है। चलते हैं, मैं फेंट कर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है। अब जो हम इसके अंदर जो मैं चीज़ ऐड करने जा रही हूँ वो है बेसन, ठीक है। बेसन आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, भर के आपने बेसन इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालने मुल्तानी मिट्टी डालनी है, ठीक है। ये भी आपने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो है आपके पास बादाम का ऑयल, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। आपके पास कोकोनट ऑयल है बेशक वो डालने, कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो। अब आपने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कि आपको ये क्रीम शेप में ना आपको ये मिल जाए, जैसे कि लोशन होता है ना ऐसे आपको ये मिल जाए। तो चलते हैं, मैं इसको मिक्स करके आती हूँ और आपको इसको दिखाती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेस्ट बन गया, आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है, अपने फेस पर, हाथों पर, जहाँ आप इसको अप्लाई करना चाहें, पाँव पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा कमाल है। आपने 1 हफ्ता रूटीन से आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। और 1 हफ्ते के बाद आप मुझे रिजल्ट बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।